डियर स्टूडेंट्स, आरएस की एग्ज़ाम जो है वह बड़ी ही गंभीर एग्ज़ाम है। प्रत्येक टॉपिक को बड़ी गंभीरता से रीड करना पड़ता है और तैयारी प्री और मेंस के साथ ही स्टार्ट करनी पड़ती है। कॉमन टॉपिक छांट लेना है प्री के सिलेबस में से और मेंस के सिलेबस में से। उन कॉमन टॉपिक जो है ना, उनको बहुत अच्छी तरह से अगर आप रीड कर लेंगे तो आप आरएस बन सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह पिछली क्लास से कनेक्ट होते हुए हम आज की क्लास में रीड करेंगे अपन कम्युनिकेशन के प्रकार, यानी कि संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी चीज़ जो है उसको विभिन्न प्रकारों में अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ को, चाहे कुछ भी आपको डिवाइड करना हो, उनके टाइप्स बनाना हो, कुछ ना कुछ आधार होते हैं, कुछ ना कुछ बेसिस होते हैं। तो वेरियस बेसिस के आधार पर हम इनको कई प्रकारों में डिवाइड करते हैं। पहला है सूचना के प्रकार के आधार पर। कम्युनिकेशन जो है वह सूचना के प्रकार के आधार पर चार प्रकार का होता है: ध्वनि संप्रेषण, फोटो संप्रेषण, फेसिमाइल संप्रेषण और डाटा संप्रेषण। ध्वनि संप्रेषण क्या होता है, मतलब सूचना किस प्रकार की है। अगर आपके पास सूचना ध्वनि के रूप में है और उसका कम्युनिकेशन करना है तो इसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि संप्रेषण कहते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे, ध्वनि संप्रेषण कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को पता है कि टेलीफोन में ध्वनि का संप्रेषण होता है, रेडियो में क्या होता है, ध्वनि का संप्रेषण होता है। तो इस प्रकार ध्वनि संप्रेषण क्या होगा कि अगर सूचना ध्वनि के रूप में है तो। फोटो संप्रेषण में क्या है कि फोटो, आपके पास जो सूचना है वह फोटो के रूप में है तो इसको अपन फोटो संप्रेषण कहेंगे। एग्जाम्पल इसका आपको पता है, फोटो संप्रेषण का क्या हो जाएगा, टेलीविजन। आगे बात समझना, टेलीविजन है, सिंपल सी बात है, फोटो संप्रेषण का एक एग्जाम्पल है टेलीविजन। फिर नेक्स्ट अपन कहेंगे फेसिमाइल ट्रांसमिशन। फेसिमाइल ट्रांसमिशन क्या होता है, कई बार पर्सन इसको प्रीलिम्स के रूप में भी पूछ लेते हैं कि फेसिमाइल ट्रांसमिशन क्या है। एक तरह से संचार का प्रकार है, संचार का प्रकार है कि अगर आपके पास कोई सूचना है, आप पहले, अभी तो पहले इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह के हिसाब से बहुत जल्दी आपके पास कोई सूचना संप्रेषित हो जाती है, लेकिन पहले क्या था, जैसे अगर आप कोई कलकत्ता वगैरह में हो, बम्बई वगैरह में हो, तो वहाँ पर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स सेंड करना होता था तो आप क्या करते थे, उसका फैक्स करते थे। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपको सेंड करना है तो कौन सी विधि काम में लेते थे, फैक्स। तो प्रीलिम्स के हिसाब से इसका जो इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है वह है फैक्स की फुल फॉर्म। तो फैक्स की फुल फॉर्म क्या है, फैक्स, ऐसे एफ ए एक्स नहीं है, वैसे एफ ए सी, ये ध्यान रखना। फेसिमाइल ट्रांसमिशन, फेसिमाइल ट्रांसमिशन को आप फैक्स का फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान में रखें। चौथा सूचना के प्रकार के आधार पर जो संचार का प्रकार है वह क्या है, डाटा संप्रेषण। डाटा संप्रेषण क्या है, यदि आपके पास सूचना डाटा के रूप में है तो उसका संप्रेषण करना क्या कहलाता है, डाटा संप्रेषण कहलाता है। एक ही कॉमन मुख्यतः प्रश्न इसमें बनकर के निकलता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, दैट इज फैक्स। फैक्स जो है उसको आप ध्यान में रखें, फैक्स की फुल फॉर्म है फेसिमाइल ट्रांसमिशन। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट है संप्रेषण विधि के आधार पर। संप्रेषण विधि के आधार पर क्या है कि आप किस प्रकार से सूचना का को संप्रेषित कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर हम दो प्रकारों में इसको डिवाइड करते हैं, एक तो एनालॉग संचार और दूसरा डिजिटल संचार। यदि कोई सूचना एनालॉग रूप में प्रेषित की जाती है, यदि कोई सूचना एनालॉग रूप में ही प्रेषित की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग संचार कहते हैं। और यदि देखो आ गया यहाँ आपके 20 शब्दों वाला प्रश्न आ गया, आर एस मेंस में शब्द लिख दिया एनालॉग संचार क्या है। एनालॉग संचार अगर शब्द आपके शब्दों पर आपकी पकड़ है, आपने समझा है उस बात को, तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख देते हैं, यदि कोई सूचना अपने एनालॉग रूप में ही संचारित की जाती है या प्रेषित की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग संचार कहते हैं। ज़्यादा बातें हम आगे करेंगे एनालॉग संचार के बारे में। डिजिटल संचार क्या है, यदि किसी सूचना का जो एनालॉग, यदि कोई सूचना है वह एनालॉग रूप में है, उसको पहले हम किस में चेंज करेंगे, डिजिटल रूप में चेंज करेंगे। तो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में चेंज करके उसके बाद उसका संप्रेषण करना, उसके बाद उसको प्रेषित करना क्या कहलाता है, डिजिटल संप्रेषण कहलाता है। और डिजिटल
जो संप्रेषण है, डिजिटल संप्रेषण जो होता है वह मुख्यतः 0 व 1 के रूप में, यानी कि बाइनरी कोड के रूप में होता है, 0 और 1। आगे बात समझ में, डिजिटल संचार के लिए कौन से 2 डिजिट काम में लिए जाते हैं, 0 और 1। कैसे लिए जाते हैं इसके लिए अगली क्लास आप जरूर देखें। फिर संप्रेषण माध्यम के आधार पर संचार के प्रकार, संप्रेषण माध्यम के आधार पर इसके संचार के क्या क्या प्रकार हैं। देखिए, संप्रेषण माध्यम यानी कि जो पहले तो क्या होता है, कोई भी सूचना जो होती है उसको हम क्या करते हैं, विद्युत तरंगों में बदलते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसको हम चेंज करते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करने के बाद उसको किसी माध्यम के द्वारा किसी रिसीवर तक भेजी जाती है। कोई माध्यम चाहिए ना भेजने के लिए, ऐसे तो है नहीं। जैसे मेरी ध्वनि आपके पास जो आ रही है, मेरी ध्वनि मेरे इस जो कैमरे के पास आ रही है, मेरी ध्वनि इस मोबाइल में जब सेट हो रही है, तो जो हवा है, वायु जो है, वह एक माध्यम है, उसके द्वारा ये वहाँ तक जा रही है, या फिर ये जो माइक्रोफोन है, कॉलर माइक है, इसके द्वारा वहाँ तक जा रही है। तो माध्यम, कोई भी माध्यम जो होता है वह किसी भी सूचना को ले जाने के लिए चाहिए। तो माध्यम के आधार पर हम संचारों के प्रकारों को अगर डिवाइड करें तो मुख्यतः 3 प्रकार हैं। देखो, युग्म तार माध्यम प्रश्न बनता है यहाँ से, भाई डिजिटल संचार में किस प्रकार की, कौन कौन सी डिजिट्स का उपयोग किया जाता है, तो दैट इज 0 और 1, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बनेगा कि संप्रेषण माध्यम के आधार पर संचार के प्रकार नहीं है, तो जिनमें पहला तो है संप्रेषण माध्यम के रूप में अगर तार इस्तेमाल किया जाए तो वह है। फिर बिना तार के, एक तो तार के द्वारा भी जा रहा है और हवा के द्वारा भी जा रहा है, और बिना तार के, जिसको कहेंगे बिना तार के, ठीक है। तो तार के द्वारा जो संप्रेषण माध्यम है वह भी 3 प्रकार से होता है। एक तो युग्म तार माध्यम, यानी कि 2 तार अगर आप 2 तारों के द्वारा भेजा जाए तो उसको कहेंगे युग्म तार माध्यम। फिर है कोएक्सियल केबल के द्वारा, और फिर है ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, प्रकाश तंतु के द्वारा। आपको पता है कि प्रकाश तंतु जो होता है, बहुत बार प्रश्न बन चुका है प्रीलिम्स में कि प्रकाश तंतु जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी भी आप लोगों को क्लास मिल जाएगी मेरी जनरल साइंस की जो क्लासेज हैं उसमें। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर, हाँ ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु ही होता है, ये ध्यान में रखेंगे, हिंदी इंग्लिश का भी चक्कर पड़ता है। कोएक्सियल केबल, युग्म तार माध्यम, तो ये संप्रेषण माध्यम है तार के द्वारा, पहला है तार के द्वारा सूचना का जो संप्रेषण होता है, संचार का जो माध्यम होता है वो एक तार है। तो तार भी 3 प्रकार के हैं, युग्म तार, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखिए, बिना तार के जो संचार के प्रकार हैं वह है भू तरंगे, ग्राउंड वेव हैं, आकाशीय तरंगे हैं, माइक्रोवेव हैं, और संचार उपग्रह हैं। ये बिना तार के माध्यम हैं, किसके लिए, संचार के प्रकार हैं, भू तरंगों के द्वारा, आकाशीय तरंगों के द्वारा, माइक्रोवेव के द्वारा, और संचार उपग्रहों के द्वारा सूचना का संप्रेषण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मॉड्यूलेशन के आधार पर, यहाँ से काफ़ी पर्सन आपके प्रीलिम्स में से निकलेंगे। मॉड्यूलेशन के आधार पर सूचना के इसके संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट आयाम के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर, कला जिसको कहते हैं, और प्लस कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि मॉड्यूलेशन के आधार पर संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट है आयाम को आधार मान करके, आवृत्ति को आधार मान करके, कला को आधार मान करके, और पल्स कोड मॉड्यूलेशन को आधार मान करके इसमें संचार की प्रक्रिया होती है। तो इसमें आप ध्यान में रखिए, फुल फॉर्म पूछते हैं AM की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, AM की फुल फॉर्म क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और आवृत्ति की फुल फॉर्म यानी कि FM का पूरा नाम क्या है पूछ लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्या हो जाएगा FM का पूरा नाम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और PM तो क्या हो जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर मत याद करना यहाँ पर, इसका आएगा फेज मॉड्यूलेशन, PHASE, फेज कला, फेज मॉड्यूलेशन होता है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, F का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, स्पेलिंग भी ध्यान में रखते जाएंगे। और आयाम का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड। आगे बात समझ में,
तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, और चौथा जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मत समझना, इसकी पूरा उसका पूरा नाम जो है संचार के क्षेत्र में या फिर अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में PCM का मतलब क्या है। PCM का मतलब होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। आगे बात समझ में, अब आप ध्यान में रखेंगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार के मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में आपको दे दें आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, प्लस कोड मॉड्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि अगर सूचना को डिजिटल रूप में अगर अपन संप्रेषित करते हैं तो डिजिटल सूचना के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देना तो जरूरी है। आगे बात समझ में, फिर पल्स कोड मॉड्यूलेशन के भी टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं। एक तो आपसे पूछ ले, देखो इनके पूरे की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, PAM की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर पल्स PTM की फुल फॉर्म पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, पल्स PPM का फुल फॉर्म है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। पर्सन कैसे बन सकता है कि संचार के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से PAM का पूरा नाम क्या है, ठीक है, लिया कौन सा PCM का प्रकार नहीं है, PAM, PTM, PPM, ये क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के प्रकार हैं। PAM की फुल फॉर्म हो जाएगी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PTM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, और PPM की फुल फॉर्म हो जाएगी पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। इंपॉर्टेंट तो है, पर्सन तो बनता है, आपकी आगे आपकी इच्छा है कि आप इनको थोड़ा सा गंभीरता से याद करें या नहीं, क्योंकि इस क्लास में ये जो पर्सन आ रहे हैं AM की फुल फॉर्म, FM की फुल फॉर्म, PM की फुल फॉर्म और PCM की फुल फॉर्म, PAM की फुल फॉर्म, PTM की फुल फॉर्म और PPM की फुल फॉर्म, एक बार और सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर इसका फैक्स की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी अगर पूछ लें आप लिखा हुआ आ जाए, AM की फुल फॉर्म दो नंबर का आ जाता है, FM की फुल फॉर्म दो नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है, या और कुछ भी इसके बारे में आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन आएगा दो नंबर का, या मान लीजिए PCM लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो PCM आप बताएंगे कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है इसका इस्तेमाल, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किस में किया जाता है, डिजिटल कम्युनिकेशन में किया जाता है। PCM लिखा आ गया, पहले तो पूरा नाम बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। फिर दूसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे, इसका उपयोग डिजिटल कम्युनिकेशन में किया जाता है। तीसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे, यानी कि जस्ट आगे आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वह तीन प्रकार का होता है, एक तो PAM, दूसरा PTM और तीसरा PPM। PAM का नाम है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PTM की फुल फॉर्म है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन और PPM की फुल फॉर्म है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। ये पर्सन जो हैं अगर आपको समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलें, क्लास पढ़ें, आगे बढ़ें, कहीं कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।